इसके मतलब यह है, हो सकता है इसके एक क्लियर हो जाता है 1 पॉइंट की। सेकेंड थिंग मैंने आप सबको बताया, अर्ली मैन स्टार्टिंग में क्या करते थे, फूड एंड वाटर के सर्च में वो मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनकी कंटिन्यूअसली होती थी। और क्यों होती थी? क्योंकि उनको क्या चाहिए था, फूड चाहिए था और वाटर चाहिए था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनको बहुत कुछ चीजें समझ में आई। वो स्टार्टिंग में क्या बने, वो हंटर थे, शिकार करते थे स्टार्टिंग में। उसके बाद वो फूड गैदर करने, और फूड गैदर के बाद वो फूड प्रोड्यूसर बन गए। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब आप सबको ये बताना है लाइफ में ऑफ फायर। मैंने आप सबको बताया था कि अर्ली मैन के लाइफ में सबसे बड़ा चेंज एक ह्यूज चेंज आया, और वो चेंज था वो फायर। ठीक है, जब उनकी लाइफ में क्या आ गया, फायर आया है ना। इसके पहले वो ऐसे ही रॉ मटेरियल खाते थे। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक, क्या क्या फायदा हुआ उनको ये फायर से, ये आपको पॉइंट बताना है। चलो जल्दी से फटाफट आंसर करो। जल्दी से, वेरी गुड अभी। वेरी गुड कार्तिक, बहुत अच्छा। अविक, वेरी गुड। सुकृत, वेरी गुड। ईशा शर्मा, वेरी गुड। अविक, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, और मैं आप सबको कहूंगी कि प्लीज आप लोग आंसर रिप्लाई करो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछती हूँ उसका आंसर लिखो। ठीक है, उससे रिवीजन होगा, आपको याद होगा। आ रहा है समझ में? सोनू, वेरी गुड। अंकिता, वेरी गुड। सुनिधि एंड राम, वेरी गुड। चलो, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो प्रोटेक्ट किए अपने आप को कोल्ड से, वाइल्ड एनिमल से, एंड दो हो गया। और थर्ड पॉइंट कि अब वो फूड को कुक करना सीख गए, और उसको कुक किए, जिससे दो फायदे हुए। फर्स्ट तो उनका जो फूड है वो टेस्टी हो गया, एंड सेकेंड जो हुआ उनका फूड पहले से सॉफ्ट हो गया। होता है ना, जब हम किसी को कुक करते हैं, मान के चलो आप राइस ऐसे खा लो, ठीक है, और एक बार उसको कुक कर लो तो वो सॉफ्ट हो जाता है और टेस्टी भी होता है, और ऐसे खाओ राइस, मजा आएगा नहीं? तो अर्ली मैन के लाइफ में बहुत चेंजिंग आया। स्टार्टिंग में हंटर थे, फिर वो फूड गैदरर बने, और फूड गैदरर के बाद वो फूड प्रोड्यूसर बन गए। तो लाइफ में ना, उनके लाइफ में धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत ज्यादा चेंजिंग हो रहे थे। मैंने उसके बाद आप सबको बताया था, अर्ली मैन जो थे उनका सेटलमेंट जो होता था, मतलब वो अपना जो घर बनाते थे वो जनरली कहाँ बनाते थे, तो किसी रिवर के बैंक में,
पॉन्ड के आसपास में, लेक के आसपास में, मतलब वाटर बॉडी जहां पे उनको दिखाई देता था उसके आसपास में वो अपना घर बनाते थे। ऐसा इसलिए वो करते थे बच्चे क्योंकि उनको ये मतलब सफिशियंट वाटर मिल जाता था फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो वाटर का बहुत सारा यूज था जिसके वजह से वो जनरली सेटल होना चाहते थे वाटर बॉडीज के आसपास। यहां तक मैंने क्लियर कर दिया था ना प्रीवियस क्लास में? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो, डू यू नो, मैं आप लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं उनको बताती हूँ आपको। डार्विन वाज स्केयर्ड ऑफ नेचुरल फेनोमेना। स्केयर्ड मतलब होता है डरना, फेनोमेना मतलब घटना। तो अर्ली मैन जो थे कुछ नेचुरल, कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो घटती थी उससे वो डर जाते थे। जैसे लाइक विंड, अगर हवा चलना शुरू हो गया तो उनको डर लगता था, ये क्या हो गया, अरे यार ये कैसे हो गया। सन, सन को देखते थे तो वो डरते थे, ये क्या चमक रहा है, ये गोला क्या है, तो उनको डर लगता था। आप लोग को लगता है ऐसा? आप सबको ऐसा लगता है कि मतलब विंड से डर लग रहा हो? तो अर्ली मैन डरते थे, उनको डर लगता था, बहुत सीधे सादे थे, है ना? हाँ सही बोल रहे हो, थंडर से हम लोग को बहुत डर लगता है। सही, ये बात सही बताया आपने। वो जब वो बिजली कड़कने की आवाज जो होती है जब रेनी सीजन आता है, और वो बहुत ज्यादा जब ये बिजली कड़कने की आवाजें आती है, सुने होंगे आप सब, ऐसे में हम लोगों को अपने अपने विंडोज बंद कर देना चाहिए, मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे से ये लोग डरते थे, रेन से डरते थे, थंडर से डरते थे, एंड हेंस स्टार्टेड वर्शिपिंग दे। और अब डर से उन्होंने क्या किया था, इनकी पूजा करना शुरू कर दिया था कि आपसे हम डर रहे हैं तो मैं आपकी पूजा करता हूँ या करती हूँ, इस तरह से उन्होंने इनका पूजा शुरू कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? क्लियर है? यस। द फार्मिंग एंड सेटल लाइफ चेंज द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द अर्ली मैन। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने अपने लाइफ को मतलब एक अलग मोड पे लेके आया। पहले हंटिंग करते थे, हंटर थे ये, उसके बाद फूड गैदरर थे या फूड प्रोड्यूसर बन गए, तो इनका वर्क भी तो चेंज होगा। जैसे अभी आप लोग क्या करते हो, स्कूल आते हो, पढ़ाई करते हो, ठीक है, अभी आपका ये काम है। लेकिन मान लो आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, आप एक अच्छे, आपको जो मतलब जो पसंद है, जिसका आप मतलब एक ड्रीम जॉब, आप में से बहुत सारे लोग कुछ बनना चाहते हो तो बन गए, मान के चलो। आप क्या बनना चाहते हो यहाँ पे बताओ, कोई क्या क्या बनना है आपको अपने लाइफ में, कुछ बनना है कि छोड़ देना है? वैसे ही ऑफिसर, अभी बोल रहे हैं ऑफिसर बनना है, तो अभी जब आप ऑफिसर बन जाओगे तो क्या फिर भी आपको ये क्लास 3 में आके पढ़ाई करना होगा? वाह, वेरी गुड अंकिता, डीएम बनना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप डॉक्टर, कार्तिक बनना चाहते हैं डॉक्टर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपूर्व आर्मी, ठीक है। तो आप जब बन जाओगे उसके बाद आपका जो वर्क होगा ना वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे आते हो, पढ़ाई करते हो, मैम पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं, लेकिन क्या जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो सिर्फ आपका यही काम, पढ़ना तो वहां भी है, ऐसा नहीं है कि फिर छोड़ देना, मतलब कुछ अलग होगा। क्लास 3 नहीं पढ़ना होगा, ESST अर्ली मैन नहीं पढ़ना होगा फिर।
ठीक है, प्रीति मैम से नहीं पढ़ना होगा, सीआईडी। चलो खूब सीआईडी देख रहे हो अभी आप लोग, है ना, इंस्पायर हो रहे हो। तो वैसे ही अर्ली मैन के लाइफ में भी क्या हुआ था, बहुत चेंजिंग आया। वो स्टार्टिंग में क्या करते थे, नाउ ही सोड सीड्स। अब वो सीड्स, सीड समझते हो, सो मतलब होता है बोना और सीड्स मतलब बीज, ठीक है। वो बीज को बोना शुरू कर दिए, वाटर द प्लांट्स, प्लांट को वाटर, वाटरिंग करना शुरू किया, एंड वेटेड फॉर द ग्रेन्स टू राइप। और वेट किया, जब ग्रेन्स पक जाए तो उसको फिर काट के लेके आते थे। मतलब एक तरह से पूरा प्रोसेस उन्होंने, एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस होता है वो शुरू कर दिया। ही कट द क्रॉप्स एंड स्टोर द ग्रेन्स, क्रॉप्स को कट किया। उन्होंने क्या किया, क्रॉप्स को फिर क्या किया, कट किया और उनको स्टोर करना शुरू किया। द सेटल लाइफ गेव ही मोर टाइम टू फॉलो अदर एक्टिविटीज। जब उनका लाइफ सेटल हो गया तो उनको बहुत टाइम मिला कि और भी एक्टिविटी कर सकें। एक्टिविटी जस्ट लाइक अदर वर्क, लाइक मेकिंग बेटर टूल्स। अब वो और अच्छे अच्छे टूल्स बनाना शुरू किया, बास्केट्स ऑफ रीड्स एंड क्ले पॉट्स फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग द ग्रेन्स। अब उनके पास ग्रेन था तो ग्रेन को स्टोर भी करना है, तो स्टोर करने के लिए उन्होंने क्या किया, पॉट बनाना शुरू किया जो कि क्ले का बना होता था, बास्केट बनाना शुरू किया। तो ये सब काम अर्ली मैन के लाइफ में, अब ये सब न्यू वर्क ऐड हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पीपल स्टिल डू मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट वर डन बाय द एंशियंट मैन। आज भी लोग जो एंशियंट मैन करते थे काम, उसको आज भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आज भी हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके ये फादर या जिनके पेरेंट्स एग्रीकल्चर में होंगे, तो आज भी अर्ली मैन ने शुरू किया था, बट स्टिल नाउ अभी भी हम लोग कर रहे हैं उस चीज को। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल फाइंड आउट डिफरेंट वर्क्स दैट आर डन इनसाइड द आउटसाइड द हाउस बाय पीपल नाउ एंड हाउ दे लर्न वेरियस क्राफ्ट्स जॉब्स ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब ऑक्यूपेशन, क्राफ्ट्स के बारे में बताएंगे, और मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है। कुछ वॉक ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर हमें ट्रेनिंग लेना होता है, उसके लिए प्रॉपर एक पढ़ाई होता है जिसको कंप्लीट करना होता है, देन ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होता है, उसके बाद हम उस जॉब में जाते हैं। कुछ होते हैं जिसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, हम लोग देखते हैं और सीख जाते हैं। ये डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर 5 डार्ली मैन। अब मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आप सबको करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, आपको करना होगा।
कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, आप लोग चलो फटाफट आंसर कर दो। अभी प्रसाद का आंसर आया, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन वॉज, क्वेश्चन फर्स्ट है, द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन वॉज। What will be answer of the question number first? Students, please reply. Very good. The next question is, the life of early man changed when he started growing. The life of early man changed when he started growing. Early man ki life kab change ho gayi? Kis cheez ka growing start kiya unhone? Very good, Sunidhi and Ram. Next question, the early settlements were laid close to. The early settlements were made close to. कुछ कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, बट कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। प्लीज आप लोग आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डिड अर्ली मैन स्टार्ट मेकिंग आफ्टर सेटल्ड लाइफ बिगन? बास्केट्स एंड पॉट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। आप सबके पास बुक है, एसएसटी की बुक के साथ ही बैठे हो ना आप सब। चलो फिल इन द ब्लैंक्स देख ले हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है, अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, वेरी गुड पल्लवी।
यस राज, वेरी गुड. अविक, वेरी गुड. सोनू, वेरी गुड. अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम. क्या होगा टाइम? सेकेंड क्वेश्चन है, द एंशियंट मैन एट हिज फूड रॉ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ डेथ. ईशा शर्मा, वेरी गुड. क्या होगा सेकंड कॉन्सेप्ट? सेकंड क्या होगा? फायर. ठीक है, द एंशियंट मैन एट हिज फूड रॉ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फायर. सेकंड में फायर फिल करो. थर्ड, अर्ली मैन यूज्ड डैश फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग. अर्ली मैन यूज्ड डैश फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग. बुक इज नॉट अवेलेबल. मैं बोल तो रही हूँ यहाँ से आंसर सबका. अर्ली मैन यूज्ड डैश फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग. क्या होगा? स्टोन. स्टोन्स का यूज करते थे हंटिंग में, फिशिंग में एंड डिगिंग. नेक्स्ट, द फार्मिंग एंड डैश लाइफ चेंज्ड द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. द फार्मिंग एंड डैश लाइफ चेंज्ड द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. क्या होगा फोर्थ का? होगा सेटल्ड. सेटल्ड लाइफ. फिफ्थ देखो, द हंटर एंड फूड गैदरर बिकेम अ फूड डैश. द हंटर एंड फूड गैदरर बिकेम अ फूड डैश. क्या होगा? प्रोड्यूसर. आप इसको अपने फेयर कॉपी में करोगे. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. ये दो करके रखोगे. नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग. नो फेयर कॉपी में अभी. मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ फायर. किसके साथ मैच होगा? वेरी गुड. कुक्ड फूड. ई के साथ मीन्स कुक्ड फूड. सेकेंड, केव्स.